अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं ताकि होम्योपैथी डॉक्टर क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ आएं और क्लासिकल होम्योपैथी को समझने की कोशिश करें। और हम ये प्रोग्राम आज़म साइंस अकेडमी में डिफेंस रोड पे 2 से लेकर 4 बजे तक करते हैं। और इसमें होम्योपैथी को जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो बहुत मामूली होती हैं लेकिन प्रैक्टिस में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आज हम सबसे बुनियादी चीज़ सिम्टम, उस पर बात करेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज में सिम्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम रिपोर्ट्स नहीं करवाते, क्यों हम पल्स नहीं चेक करते, क्यों हम एक्सरा वगैरह या अल्ट्रासाउंड करवाते। अब इन टेस्टों के अलावा हम कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अलामात की होती है। तो असल में दोस्तों आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी अद्वियात जब प्रूव की जाती हैं तो वो एक सेहतमंद इंसान पे प्रूव की जाती है, और जब वो इंसान उस दवा के जरिए असर बीमार होना शुरू होता है जिसे कि आर्टिफिशियल डिजीज कहते हैं, तो वो अलामात कलेक्ट कर ली जाती हैं। जब वो अलामात कलेक्ट कर ली जाती हैं तो उससे हमारा मटेरियल मेडिका तैयार होता है और वही हमारी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है। मसलन हमें ये तो पता है कि बेलाडोना, उसकी एक मेन सिम्टम है कि मरीज का चेहरा सुर्ख होता है, मरीज टिककी लगा कर देखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बेलाडोना में जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, पोटाशियम ज़्यादा होता है, या इनमें क्या क्या कमी बेशी होती है। अगर तो हमारी प्रूविंग ऐसी हो कि हम चैलिडोनियम की अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने चैलिडोनियम की प्रूविंग की तो उसमें मरीज के LFT कितने थे, उसमें क्या क्या चीज़ बढ़ी हुई थी और क्या क्या चीज़ उसमें कम थी। और सेम उसी पैटर्न को सामने रख के हम चैलिडोनियम इस्तेमाल करवाएं तो मरीज शफायाब हो। इसी तरीके से लाइकोपोडियम है, वो भी जिक्र की एक अच्छी दवा है, चैलिडोनियम है, वो भी जिक्र की एक अच्छी दवा है, ब्रायोनिया अच्छी दवा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ब्रायोनिया का जो केमिकल रिएक्शन होता है जिगर के ऊपर वो क्या है, ना इसकी प्रूविंग होती है। हमें प्रूविंग में सिर्फ अलामात सामने आती है। हमने ये देखना है कि अगर ये दवा मरीज को इस्तेमाल करवाई गई तो उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, फिर गुस्से की हालत में वो क्या करना चाहता है, क्या जिस पे गुस्सा आया उसको जान से मारने की कोशिश करता है, क्या उसे किनारा करने की कोशिश करता है, या क्या सिर्फ वो गालियाँ निकाल देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अलामात की वजह से ही पता चलती है। और इसीलिए हमारी जितनी भी होम्योपैथी अद्वियात हैं हम इसको आर्टिफिशियल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये एक सेहतमंद इंसानी जिस्म में एक आर्जी बीमारी पैदा करती है जो कि खुद बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन हमें वो एक सबक दे जाती है, अलामात का मजमूआ दे जाती है कि आप ऐसे मरीजों में ये दवा इस्तेमाल करें। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अलामात की तरफ तवज्जो दें, लेकिन अलामात के भी फिर आगे मुख्तलिफ अक्साम आ जाती हैं। मसला माइंड सिम्टम है, इमोशनल सिम्टम है, डिज़ायर की सिम्टम है,
ठीक है, जनरल सिम्टम है, लोकल सिम्टम है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस मरीज में हम कौन से सिम्टम को आला मुकाम देंगे और कौन सी को इग्नोर कर देंगे। जैसे अक्सर आजकल बहुत शोर है कि जी आप देखा करें कि ये दुआ सर्द मिजाज है या ये गर्म मिजाज है। ये बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ उस हद तक कि अगर हमने जो सिम्टम कलेक्ट की हैं वो जनरल सिम्टम है, लेकिन अगर उनमें उसी मरीज में एक सर्द दुआ की सिम्टम आती है, माइंड सिम्टम, लेकिन दुआ वो गर्म मिजाज है, तो हम फिर माइंड सिम्टम को प्रायोरिटी देकर वो गर्म मिजाज दवाई इस्तेमाल करेंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये एक हमारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम जब दुआ की अलामत देखते हैं और दुआ एक सामने आ रही है, लेकिन जब हम सर्द और गर्म के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर हम मतलूबा दुआ की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि अब जैसे पल्साटीला है, पल्साटीला गर्म मिजाज दुआ है, लेकिन इसे सर्दी भी लगती है और गर्म कमरे में इसकी ये अलामत और ज़्यादा हो जाती है सर्दी लगने की, हालांकि उसे गर्म कमरे में सुकून मिलना चाहिए, तो इसलिए इसे हमने गर्म मिजाज दवाइयों में रखा हुआ है। और ठंडी होने के बावजूद इसे खुली हवा में सुकून मिलता है। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दुआ में ही पाई जाती है, जिन्हें हम पिकुलर सिम्टम कहते हैं। अगर पिकुलर सिम्टम किसी दुआ की मिल जाए तो फिर हम वो दुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक मशहूर मुहावरा है कि थ्री लेग स्टूल, कि अगर किसी दुआ की तीन अलामात आपको मिल जाएं तो हम वो दुआ इस्तेमाल करवा सकते हैं और उससे मरीज शफायाब होता है। लेकिन बात यह है कि थ्री लेग स्टूल सिर्फ उस वक्त काम करता है जब दुआ की कोई बहुत अहम सिम्टम मिले। बस गर्मी लगना तो हज़ारों दुआओं में है, सर्दी लगना भी हज़ारों दुआओं में है, गुस्सा भी बहुत सी दुआओं में है, या शर्मीलापन भी बहुत सी दुआओं में है, तो ये तीन रूबरिक के अंदर काफ़ी सारी अद्वियात आ जाती है। तो इसलिए हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ तीन अलामत आई और हमने दुआ की सिलेक्शन कर दी, दुआ की उन सिम्टम को हमने देखना है जो कि सिर्फ इसी दुआ में शामिल है। अगर तो ऐसी दुआ मिले तो फिर थ्री लेग स्टूल काम करता है, लेकिन अगर जनरल अलामत देखें माइंड सिम्टम एक की तरफ, एक अलामत है माइंड सिम्टम लेकिन दूसरे में दो लोकल सिम्टम है, तो हम माइंड को प्रायोरिटी देकर उस मरीज को वो दुआ देंगे जिसमें माइंड सिम्टम ज़्यादा नुमाया है। और माइंड सिम्टम भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मरीज़ का रवैया खुद बताता है। क्योंकि आप जब भी किसी मरीज़ से पूछेंगे कि आपको गुस्सा आता है, तो आमतौर पर मरीज ये कहते हैं नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में वो अपने आप को बेहतर डॉक्टर के सामने पेश करना चाहते हैं। आप पूछे गालियाँ निकालते हो, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, तो फिर आप उनसे उनके साथ जो लोहेकिन आए होते हैं उनसे पूछो कि जी इनका रवैया कैसा है, फिर वो आपको बताएंगे कि ये चिड़चिड़ा है, ये खुशमिजाज है, ये कैसा है। अलामात को लेने का भी एक फन होता है जिसे हम केस टेकिंग में पढ़ाते हैं या केयर टेकिंग में समझते हैं। अगर जब आपके पास कोई भी मरीज आ जाता है तो ज़ाहिरी बात है मरीज बीमारी की शक्ल में या किसी तकलीफ की सूरत में आपके पास आया है। अब आपने उसे पूछा आपको क्या मसला है,
उसने बताया जी मुझे पेट दर्द है, अच्छा जी उल्टी आ रही है, मुझे गर्मी लगती है, बाहर निकलने का दिल करता है। आपने ये सारी की सारी अलामत नोट कर ली और नोट करके उन्हीं अलामत के ऊपर आपने दुआ की सिलेक्शन कर दी, तो ये एक इंतहाई गलत तरीका है। कोई भी अलामत अलामत जो होती है उस वक्त तक दुरुस्त अलामत नहीं होती जब तक कि हम उसे कंफर्म नहीं कर लेते। मसलन जैसे हमने पल्साटीला की मिसाल दी या हम कलकिरिया कार की मिसाल लेते हैं, क्या मरीज आता है कहता है मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। भाई गर्मी लगती है तो क्या एसी में बैठने का दिल करता है, पंखा लगाने का दिल करता है? कहता है जी नहीं। फिर आपको गर्मी कैसी लगती है? नहीं मेरे असल में हाथ पांव जलते हैं। बेसिकली मरीज को सर्दी लग रही होती है लेकिन चूँकि उसके हाथ पांव गर्म हैं इसलिए वो कहता है जी मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। अब हम मरीज से सवाल करते हैं कि आपकी प्यास कैसी है? डॉक्टर साहब नॉर्मल। भाई नॉर्मल प्यास क्या होती है? डॉक्टर साहब बस जितना दिल करता है पानी पी लेता हूँ। मैं बगैर तलब के भी किसी ने पानी पिया? प्यास कम होगी तब भी मरीज कहेगा नॉर्मल है, प्यास ज़्यादा होगी तब भी मरीज कहेगा नॉर्मल है। आपने ये पूछना है कि आप कितना पानी पीते हो। और एक छोटा सा कुलिया है कि मरीज का वेट जितना है पर 5 kg 24 घंटे में एक ग्लास सख्त गर्मियों में उसकी ज़रूरत है, ये नॉर्मल प्यास है। लेकिन अगर उससे कम पी रहा है तो वो कमी में आ जाएगा, अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो फिर ये ज़्यादा प्यास में आएगा। और बाद लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि प्यास लगती है लेकिन हम पानी नहीं पीते, हम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर लेते हैं, शिकंजमी इस्तेमाल कर लेते हैं, लस्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर आपने सिर्फ प्यास के रूबरिक में नहीं जाना, आपने ये देखना है कि अगर वो स्कंजमीन इस्तेमाल करता है तो उसे खटास की ख्वाहिश है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करता है तो उसे तजाबी चीज़ों की ख्वाहिश है यानी कि एनर्जेटिक चीज़ों की ख्वाहिश है, अगर वो लस्सी वगैरह इस्तेमाल करता है तो उसे ठंडी चीज़ों की ख्वाहिश है। तो जब तक आप ये मरीज से नहीं कंफर्म करेंगे उस वक्त तक आप मरीज की मुकम्मल केस टेकिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मरीज को हम उसके मुकम्मल अलामात दें तो उसे हमेशा डिज़ायर और अवर्शन के मतलब सवाल ज़रूर करें। जैसे कि एक मेरे पास पेशेंट आ गया, वो कहता है कि दाएं शोल्डर पे मुझे पेन है और तकरीबन 2 साल से है, और जब उसे दर्द का करैक्टर पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे खिंचाव है और वेट लिफ्टिंग करते हुए मुझे ये मसला हुआ है और बहुत सारी पेन किलर खाई हैं लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ, और इसके साथ साथ मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई है लेकिन उससे भी कोई खातर खा अफाका नहीं हुआ। जब मैंने पूछा कि आप क्या चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो उसने कहा कि गोश्त मुझे पसंद है लेकिन वैसे मैं खा नहीं रहा क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन ख्वाहिश ये है। फिर मैंने जब रूबरक देखा तो फेरामेट सामने आ रही थी, तो फेरामेट की 30 की एक डोज देने से उसका 2 साल का पुराना मसला हल हो गया। दोस्तों बार दफ़ा हम जब ख्वाहिश और अवर्शन के मतलब सवाल करते हैं जैसे गोश्त की ख्वाहिश तो कहते हैं जी मुझे गोश्त पसंद है, देखना यह है कि गोश्त उसे पसंद है या गोश्त की उसे ख्वाहिश है।
अगर उसे ख्वाहिश होगी तो वो सब्जी भी बगैर घोल के नहीं खाएगा, लेकिन अगर सिर्फ पसंद होगा तो वो ज्यादा खाएगा, लेकिन अगर उसे नहीं मिलेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ख्वाहिश देखनी है, उसका टेस्ट नहीं देखना कि उसे किस चीज़ के खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये भी चंद एक पेशेंट में मैंने देखा है कि मैं गोश्त की ख्वाहिश की दवाएं देता रहा, लेकिन जब मैंने उसे पूछा कि आप गोश्त पसंद करते हो या आपको क्रेविंग है कि गोश्त नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं खानी, उसने कहा नहीं क्रेविंग नहीं है लेकिन गोश्त मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है। तो जब तक आप अलामात को टटोलेंगे नहीं, जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे मरीज से और अलामात को कन्फर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मरीज दुरुस्त अलामत नहीं देगा। जैसे कि एक मरीज कहता है कि मुझे चाय पसंद है। भैया आपको चाय क्यों पसंद है? वो इसलिए पसंद है कि वो ज़रा गर्म होती है और जिस्म को टिकोर होती है। फिर दूसरा मरीज आता है, वो भी कहता है मुझे चाय पसंद है, भाई गर्म पीते हो ठंडी, बस नॉर्मल करके। अब उसे चाय इसलिए पसंद थी कि वो गर्म थी, लेकिन ये चाय पी रहा है क्यों? क्योंकि वो मीठी होती है। दूसरा मरीज इसलिए पी रहा है क्योंकि वो एनर्जेटिक होती है, थोड़ा सा सुकून देती है। तो जितनी देर तक हम अलामात को टटोलेंगे नहीं, उस वक्त तक हम दुरुस्त अलामत तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? अगर हम दुरुस्त अलामत तक नहीं पहुंचेंगे तो केस को अगर हम रेफराइज भी करेंगे तो चूंकि अलामात दुरुस्त नहीं, इसलिए दुआ आपके सामने दुरुस्त नहीं आएगी। और अगर अलामत दुरुस्त नहीं तो गलत दुआ सामने आएगी, तो आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आती है, और इसलिए कहते हैं कि ये डॉक्टर जो इलाज मुआवजा कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस डॉक्टर का इसलिए गेन किया जाता है, देखा जाता है कि वो किस हद तक मरीज को समझ सकता है, उससे प्रूफ केस ले सकता है, प्रूफ अलावा दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों आज मेरा ख्याल है कि जो बात हुई है अलामत के ऊपर, उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ ये समझ आ चुकी होगी कि हमारी होम्योपैथी का दारोमदार सारा का सारा अलामत पे क्यों है और दुरुस्त अलामत को ढूंढने का तरीकाकार क्या है, और अलामत में जो दर्जाबंदी है वो क्यों की जाती है। अब देखें एक पेशेंट है, उसको पेट में रसौली बन रही है। आज टेस्ट करवाते हैं तो पेट में रसौली आती है, लेकिन मरीज के बीमार होने में और रसौली बनने के दरमियान बहुत लंबा वक्फा होता। मरीज उसी वक्त बीमार हो गया था जब अभी रसौली नहीं बनी थी। ये रसौली, ये कोई ब्लड टेस्ट, कोई जिगर का टेस्ट या कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह या पैथोलॉजी बीमारी है, ये बीमारी का एंड है, ये इम्तिहान का नतीजा है। लेकिन हमने देखना है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। जब आपकी डेट शीट आ जाए तो फिर आपको चुकन्ने हो जाना चाहिए। जो अलामत होती है वो ऐसे ही समझ लो कि जैसे किसी तालिबे इल्म की डेट शीट आ गई, तो आपने उसी वक्त से अपना इलाज मुआवजा शुरू कर देना है। यकदम कैंसर नहीं होता,
अगर कैंसर वगैरह यकदम भी हो या कोई ऐसी बीमारी जो क्रॉनिक होती है वो यकदम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, उसे खौफ था, परेशानी था, सदमा जो कि अचानक उसके जिस्म के ऊपर हमला आवर हुआ और ज़्यादा देर नहीं बल्कि थोड़ी देर में ही मरीज़ के अंदर पैथोलॉजिकल अलामत आ गई। पैथोलॉजिकल अलामत भी जानना ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हम ये देख सकें कि हमारा केस किस तरफ जा रहा है। मसलन एक आदमी को एक रसौली है, पुराने इलाज हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि रसौली इतनी कम हुई है, इससे मरीज भी मुतमिन होता है और आपको भी पता चलता है कि हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था वो ठीक था, हमारी दुआ ठीक थी। लेकिन सिर्फ पैथोलॉजी को सामने रखकर इलाज करना ये होम्योपैथी से नाइंसाफी है। हाँ, चंद ऐसे केस होते हैं जहाँ हमें पैथोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो केस ऐसे होते हैं जिसे डॉक्टर कैंट जो है वो वन साइडेड डिजीज़ कहते थे या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ कहते थे। वो ऐसा मरीज होता है जिसमें पैथोलॉजी तो ड्रग होती है लेकिन उसमें सिम्टम कोई नहीं होती। जब सिम्टम कोई नहीं होती तो फिर हम ऑर्गनोपैथी जो कि डॉक्टर बर्नर्ड इस्तेमाल करता था, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस की मिसाल है कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसने बताया जी मेरे रिपोर्ट करवाई है हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, लेकिन उसमें कोई बेचैनी नहीं, उसमें कोई खौफ नहीं, उसकी भूख ठीक है, उसकी प्यास ठीक है, उसका पखाना ठीक है, यानी कि कोई अलामत आपको नहीं मिल रही, तो फिर आपने टैटोपैथी की तरफ चले जाना है या आर्गनोपैथी की तरफ चले जाना है, फिर आपने हेपाटाइटिस पोटेंसी की हालत में देनी है, तो फिर वो काम करेगी और उस पैथोलॉजी को ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर सिम्टम आ रही है तो हेपाटाइटिस देने के बावजूद मरीज कभी भी ठीक नहीं होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।